हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 7 कर रहे हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो, प्लीज वॉच पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। पार्ट 1 में हमें राइटर ने ये बताया था इंटरव्यूज के बारे में, अलग अलग लोगों की क्या क्या ओपिनियन है। उन्होंने हमें कुछ जर्नलिस्ट की ओपिनियंस बताई, कुछ राइटर्स की, सेलिब्रिटीज की ओपिनियंस बताई कि वो इंटरव्यू के बारे में क्या विचार रखते हैं। बहुत ही ज्यादा हमने सीरियस ओपिनियंस भी देखी। बहुत सारे राइटर्स तो कहते हैं कि इंटरव्यू उन्हें ऐसे लगती है कि उन्हें स्ट्रैंगुलेट कर रही है, उनकी विंड पाइप को सुंगोड़ रही है। कईयों को लगा कि वो एक क्राइम है, जैसे कि फिजिकल असॉल्ट एक क्राइम होता है, उतना ही बड़ा क्राइम है इंटरव्यू। क्यों ऐसा लगा इन सब लोगों को? क्योंकि इंटरव्यू उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन लेती है और वो अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक नहीं करना चाहते, इसी वजह से वो इंटरव्यूज को डिसलाइक करते हैं। जबकि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं या जो जनरल लोग हैं, उनका ये मानना है कि इंटरव्यू बहुत ही पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का, और इसमें आपको बहुत ज्यादा जो ट्रूथ है वो पता चलता है, किसी की भी लाइफ का ट्रूथ पता चलता है। और जब कोई रैंडम आंसर्स देता है तो उससे उसकी इनर सेल्फ के बारे में बहुत कुछ जानने को पता चलता है। तो ऐसे हमने अलग अलग ओपिनियंस देखी थी इंटरव्यू के बारे में लोगों की, और इस पार्ट 2 में हम एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट, इंटरव्यू का पार्ट पढ़ेंगे। दिस इंटरव्यू इज बिटवीन 2 पीपल, कौन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 देख लिया है, हम आगे इसका पार्ट 2 स्टडी करते हैं। पार्ट 2 पे जाने से पहले मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि यू ऑल नो, वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। हमारी पढ़ाई का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम, हमारी लाइफ का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं ड्यू टू द ऑनगोइंग कोविड सिचुएशन। आप जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्टेड हो, आपकी एजुकेशन इफेक्ट हो रही हो, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम में भी इतने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं क्योंकि हमें इस जो चेंज सिचुएशन है उससे अडेप्ट करना है। ऑब्वियसली हम स्कूल नहीं जा रहे, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, और एक बहुत ही नया और डिफरेंट सा माहौल बन गया है, उसको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन जॉइन आर टेलीग्राम ग्रुप, देयर यू कैन शेयर योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर एक्सपीरियंसेस विद अस। यू कैन इवन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो एंड वील ट्राई एंड रिवर्ट बैक, एंड इफ पॉसिबल वी विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आर chapter. I am a professor who writes novels on Sundays. Umberto Eco. So this is the name of the writer, Umberto Eco. He is a professor. वैसे वो एक professor है, means वो पढ़ाते हैं. He is an educationist, but he writes novels also on Sundays. यानी कि छुट्टी वाले दिन वो writing भी करते हैं. ये है Umberto Eco, जिनकी interview हम यहाँ पर पढ़ेंगे. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. Now, The Hindu is a very famous newspaper. He is Mukund Padmanabhan. He is the interviewer aur ye The Hindu ke liye kaam karte hain. To chaliye aage padhte hain. Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of signs, literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. The University of Bologna in Italy, it is located in the town of Bologna. It is a very old university. It was founded in the year 1088. And it is the oldest university in continuous operation. Yani ke jab se iski founding hui thi 1088 में, तब से लेकर आज तक ये कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट कर रही है, इसलिए इसमें ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटास, जिससे यूनिवर्सिटी वर्ड डिराइव किया गया है, दिस वर्ड वॉज कॉइंड एट द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना।
बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है. एक्वायर्ड मीन्स गॉट. फॉर्मिडेबल मीन्स स्ट्रॉन्ग पावरफुल. रेप्यूटेशन मीन्स फेम, लोग आपको कैसे जानते हैं. मिडीवल मीन्स रिलेटेड टू द मिडिल एज. जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री है, फिर मिडीवल हिस्ट्री है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है. तो जो मिडिल पीरियड होता है उसे मिडीवल कहते हैं. एस्थेटिक्स मीन्स रिलेटेड टू ब्यूटी एंड नेचर. सो हियर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अम्बेटो इको. वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, जो इटली में लोकेटेड है. और अम्बेटो इको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन रखते हैं, मींस बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं एज अ स्कॉलर. वो किस चीज में डील करते हैं, किस पढ़ाई से डील करते हैं? फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स. सिमियोटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ साइंस. अम्बेटो इको ने बहुत डिटेल्ड पढ़ाई की है साइंस की स्टडी पर और लिटरेरी इंटरप्रिटेशन पर, यानी कि जो भी लिटरेरी पीसेस लिखे जाते हैं, जो भी राइटिंग्स हैं, वो उन्हें इंटरप्रेट करते हैं. और साथ ही साथ मिडिल एज के जो एस्थेटिक्स है, यानी कि मिडिवियल एज में जो भी अलग अलग चीजें क्रिएट की गई थी उनको एनालाइज करना, उनकी ब्यूटी को एनालाइज करना, ये सब काम वो करते हैं. और उसके बाद अब लेटेस्ट उन्होंने क्या काम शुरू किया है? ही हैज स्टार्टेड राइटिंग फिक्शन. फिक्शन मीन्स इमेजिनरी राइटिंग, समथिंग विच इज नॉट रियल लाइफ. इमेजिनरी राइटिंग करना. तो अब अम्बेटो इको ने लेटेस्ट क्या चीज शुरू की है? ही हैज स्टार्टेड राइटिंग फिक्शन. लिटरेरी फिक्शन एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग. इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज. स्टैगरिंगली मीन्स टू एन एस्टॉशिंग डिग्री, मीन्स वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा, टू मच. एक्वायर्ड, आई टोल्ड यू, इट मीन्स गॉट. सुपरस्टारडम मीन्स अ लॉट ऑफ फेम, बहुत ही प्रसिद्धि मिलना. इंटेलेक्चुअल मीन्स रिलेटेड टू योर इंटेलिजेंस, पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड. द नेम ऑफ द रोज, ये एक बुक का नाम है जो अम्बेटो इको ने लिखी है. इट इज एन इटालियन नॉवल. It was published in the year 1980. And this is Umberto Eco's debut novel. Debut means his first novel. It is a historical murder mystery set in an Italian monastery in the year 1327. It combines semiotics, biblical analysis, medieval study and literary theory. अब ये जो बुक है द नेम ऑफ द रोज, इसमें भी आपको साइन लैंग्वेज की स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, सिमियोटिक्स जिसे कहा जाता है. फिर इसमें बाइबल को भी इंटरप्रेट किया गया है, उन्होंने बाइबल से भी काफी कोट्स लिए हैं अपनी इस नॉवल में. फिर उन्होंने इस नॉवल में मिडीवियल स्टडी भी की है, यानी कि मिडीवियल टाइम्स में जो प्रेवलेंस थी हिस्टोरिकल, उसे भी रेफरेंस दी है इस नॉवल में. और फिर उन्होंने लिटरेरी थ्योरी भी यूज की है, यानी कि उनकी जो राइटिंग है इट इज इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर दैट वाज प्रेवलेंट इन द मिडीवियल टाइम्स. ऑल्दो दिस बुक इज अ फिक्शन, इट इज एन इमेजिनरी थिंग, बट ही हैज क्रिएटेड इज जस्ट लाइक अ रियलिस्टिक पीस ऑफ राइटिंग. ऐसा लगता है कि ये कोई हिस्टोरिकल बुक है बिकॉज इट इज सेट इन द ईयर 1327 और इसमें मिडीवियल टाइम्स के ही जो कैरेक्टर्स हैं, जो सोसाइटी है उसको रेफर किया गया है. बट ये ट्रू स्टोरी नहीं है, इट इज अ फिक्शन, इमेजिनरी स्टोरी है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेब्यू नॉवल रिटन बाय अम्बेटो इको, जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज. एंड इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल और जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. तो अब हम आगे चलते हैं. मुकुंद सेज द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड अकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज. ही कौन है? अम्बेटो इको. अब मुकुंद जो हमारे इंटरव्यूअर हैं, वो कहते हैं कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे एंड एकेडमिक भी थे, यानी कि वो नॉवेल्स भी लिखते थे और पढ़ाते भी थे. उनका नाम था डेविड लॉज. उन्होंने एक बार कहा था कि मैं समझ नहीं पाता
कि अम्बेटो इको एक व्यक्ति है लेकिन वो इतने सारे काम कैसे कर सकता है। सो व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु कैन डू अ लॉट ऑफ टास्क एट वन टाइम? वी कैन कॉल हिम अ मल्टी टास्कर। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ मैन हु कैन डू मेनी थिंग्स एट वन टाइम, वी कैन कॉल हिम अ मल्टी टास्कर। सो डेविड लॉज ने ये कहा कि अम्बेटो इको एक मल्टी टास्कर है, वो एक ही समय पर इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। अम्बेटो इको रिप्लाइज, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। मुकुंद सेज विच इज ना, अम्बेटो इको कहते हैं कि लग सकता है ऐसा इम्प्रेशन किसी को फॉर्म हो जाता है कि मैं एक ही समय पर बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं हर वक्त एक ही काम करता रहता हूँ। और मुकुंद पूछता है वो काम क्या है। अम्बेटो सेज Now that is more difficult to explain. I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. What is philosophical? Philosophical is something related to the study of fundamental nature of knowledge, reality and existence. Now this is getting more complicated. मैं आपको easy words में समझाती हूँ philosophy क्या है। हर एक चीज में फिलॉसफी होती है। नेचर की वर्किंग की भी एक फिलॉसफी है, ह्यूमंस की या सारे लिविंग बीइंग्स की एग्जिस्टेंस की भी एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी वर्ड का मतलब ये है कोई चीज कैसे वर्क करती है, कोई चीज के काम करने का तरीका क्या है। तो अम्बेटो इको किस चीज का तरीका स्टडी करते हैं, किसी को नॉलेज कैसे मिलती है, नेचर कैसे एग्जिस्ट करती है, लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं और रियलिटी क्या है, लाइफ की रियलिटी क्या है, ये सब चीजें भी फिलॉसफी में आती हैं। तो वो इन तरह की चीजों को स्टडी करते हैं। परस्यू मीन्स टू फॉलो। तो कहते हैं कि मेरे बहुत अलग अलग तरह के इंटरेस्ट हैं, मुझे फिलॉसफी में इंटरेस्ट है और मैं अपने इंटरेस्ट को अपने अकेडमिक वर्क और अपने नॉवेल्स के थ्रू फॉलो करता हूँ। मीन्स वो रीड करते हैं, बहुत डिटेल में किसी चीज के बारे में सोचते हैं और जब वो अपनी जो विचारधारा है उसे अपने एकेडमिक वर्क में और अपनी नॉवेल्स में प्रेजेंट करते हैं। इवन माय बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स। एथिकल मीन्स रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग प्रिंसिपल्स। हमारे अंदर कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं जिसे हम मॉरल्स या एथिक्स कहते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि सही और गलत में क्या फर्क है। तो वो कहते हैं कि उनकी जो चिल्ड्रन बुक्स हैं, बच्चों के लिए जो वो किताबें लिखते हैं, उनमें भी वो नॉन वायलेंस और पीस की बात करते हैं। वहां पर भी वो बच्चों को एथिक्स मॉरल्स सिखाना चाहते हैं और अपने जो फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हैं वो भी वो अपनी राइटिंग में इंक्लूड करते हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी इन चीजों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माय फिस्ट। फिस्ट क्या है? हमारी मुट्ठी, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे आप अपनी मुट्ठी बनाते हैं इसे फिस्ट कहते हैं। अब यहां पर अम्बेटो कहते हैं कि मेरा एक राज भी है। सीक्रेट क्या होता है? एक राज, राज की बात। तो वो अपनी कोई राज की बात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एलिमिनेट मीन्स टू रिमूव, निकाल देना। यूनिवर्स वी ऑल नो, ये जो स्पेस है जिसमें सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। एटम्स आपने साइंस में पढ़े हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो यहां पर अम्बेटो कहते हैं कि अगर हम यूनिवर्स में से सारी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उन्हें निकाल दें तो क्या होगा। फिर वो कहते हैं अगर एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसे निकाल देंगे तो क्या होगा, क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माय फिस्ट। तो जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि वो हमारी मुट्ठी में फिट हो सकता है। इससे क्या पता चलता है हमें? इससे हमें ये पता चलता है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन एटम्स एंड इन द यूनिवर्स।
यूनिवर्स में भी और एटम्स के बीच में भी बहुत ज्यादा खाली जगह है। और अम्बेटो कहते हैं अगर हम वो खाली जगह निकाल दें तो पूरा यूनिवर्स हमारी एक मुट्ठी में फिट हो सकता है। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बहुत सारा खाली समय होता है, ऐसा खाली समय जिसे हम वेस्ट कर देते हैं। I call them interstices. Interstices means spaces. अम्बेटो ही को कहते हैं कि जो खाली समय है इसे मैं इंटरस्टाइस कहता हूं, जिसका मतलब है स्पेसेस। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। अब यहां पर वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कहते हैं कि सपोजिटली तुम मेरे को मिलने आ रही हो और तुम एलिवेटर में हो, एलिवेटर मीन्स द लिफ्ट, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं एक्चुअली तुम्हारा इंतजार करते करते। लेकिन अम्बेटो ऐसा नहीं करते, दिस इज एन इंटरस्टाइस एंड एम्प्टी स्पेस। तो कहते हैं कि ये जो समय है जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम एलिवेटर में हो, ये समय एम्प्टी स्पेस है, ये एक इंटरस्टाइस है, मेरा खाली समय है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article, and he laughs. तो ये उनका सीक्रेट है, वो कहते हैं कि मैं इस खाली समय में काम करता हूँ। जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हारा एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आएगा, उतनी देर में मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूँ। तो वो अपने इस खाली समय को वेस्ट नहीं करते, उसे इस तरह से यूटिलाइज करते हैं, और वो कहते हैं that I work in interstices. So again, I would like to remind you that if you found this explanation useful, please hit on the bell icon and subscribe to the channel so that you get notifications regarding the next useful videos that we upload on the channel and you can take maximum benefit from them. Now further, Mukund says, not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. Mukund कहता है कि जिस तरह से आप लिखते हैं उस तरह से सब नहीं लिख सकते। आप जो भी non-fictional writings लिखते हैं, आपके जितने भी scholarly works हैं, यानी कि जो आप academic works लिखते हैं, पढ़ाने के लिए जो आप books लिखते हैं, उनमें एक अलग सा फील है। आप ऐसा लगता है कि खेल रहे हैं, आपकी एक पर्सनल टच है उसमें, बिकॉज वो इस वे से लिखते हैं, नरेटिव फॉर्म में लिखते हैं कि किसी पढ़ने वाले को बोरिंग नहीं फील होता। वो अपने एक्सपीरियंसेस इस वे से शेयर करते हैं, जिस वे से वो उसे महसूस करते हैं, द वे ही गोज थ्रू देम। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर अकेडमिक स्टाइल which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? Now, marked departure means something that is different. तो कहते हैं कि जो regular academic style होता है writing का, उससे आपकी writings बहुत ज्यादा अलग होती हैं, which is invariably depersonalized and often dry and boring. तो जो general academic style है वो depersonalized होता है, means जो writer है वो अपनी personal touch नहीं देता, वो सिर्फ अपनी observations लिखता है बहुत ही simple way में, लेकिन वो अपनी personal feelings नहीं उसमें add करता, इसीलिए वो बहुत dry और boring बन जाता है। तो वो पूछते हैं अम्बेटो से कि क्या आप जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा इनफॉर्मल वे में लिखते हैं या फिर आपका नेचुरल स्टाइल है ये। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप इंटेंशनली जानबूझ के अपनी फीलिंग्स और अपना पर्सनल टच देते हैं अपनी राइटिंग्स को, या फिर ये आपका नेचुरल राइटिंग स्टाइल है। अम्बेटो सेज, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथीसिस, then they correct them and at the end they put the conclusions. Now what is a dissertation? Dissertation is a research project which is submitted at the end of any undergraduate or postgraduate degree course. तो आपका जो degree course है, कई UG degree में भी होता है या फिर postgraduate degree courses में आपको एक research project करना होता है, उसे submit करना होता है, वो publish भी होता है, उसे dissertation कहते हैं। Hypothesis is an assumption.
जब हम कुछ एज्यूम करते हैं। जब बेटो इको ने अपनी पहली डॉक्टोरल डेजिटेशन प्रेजेंट की थी इटली में, तो उनके प्रोफेसर ने कहा था कि जनरली जो स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, फिर वो बहुत सारी झूठी अजम्पशंस करते हैं, फिर वो उन अजम्पशंस को करेक्ट कर देते हैं और एंड में कंक्लूड कर देते हैं। इस तरह से वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। लेकिन अम्बेटो का रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था। यू ऑन द कॉन्ट्ररी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स ऑन द अपोजिट। तो इस प्रोफेसर ने अम्बेटो को कहा कि आपने ऐसा नहीं किया जो जनरली रिसर्च स्कॉलर्स करते हैं, आपकी डिसर्टेशन वैसी नहीं है, आपने तो अपनी रिसर्च की कहानी सुनाई है और साथ ही साथ आपने अपने ट्रायल्स एंड एरर्स यानी कि आपने जब अपना रिसर्च किया तो आपने जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें आपकी क्या क्या गलतियां हुई वो भी आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में लिखी हैं। तो अम्बेटो इको का राइटिंग स्टाइल ही ऐसा था, उसमें एक पर्सनल टच था, वो मैकेनिकल नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि उन्होंने एक स्टोरी लिखी है। यही चीज उनके प्रोफेसर ने उन्हें तब कही। At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. Appreciated means he liked it. साथ ही साथ अम्बेटो कहते हैं कि उनके प्रोफेसर ने ये भी देखा कि अम्बेटो की जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सही है, इसी वजह से उन्होंने उनकी इस प्रोजेक्ट को एक बुक के रूप में पब्लिश करवाया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उनके प्रोफेसर को उनका प्रोजेक्ट अच्छा लगा। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। दिस इज व्हाई माय एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट। नरेटिव एस्पेक्ट मींस जो राइटर है जो स्टोरी बता रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताता है। That is a narrative aspect. Means वो बार बार first person use करता है, I use करता है, me use करता है, ये बताने के लिए कि वो अपने experience से share कर रहा है। तो बेटो कहते हैं कि जब उनके professor ने उन्हें ऐसा review दिया उनकी dissertation के बारे में, तब वो 22 साल की उम्र के थे और तब वो ये समझ गए कि जितने भी scholarly books हैं, जितने भी academic projects हैं, वो भी इसी तरह से लिखे जाने चाहिए जिस तरह से उन्होंने अपनी dissertation लिखी थी, By telling the story of the research, एक story वे में लिखनी चाहिए। और तभी से वो कहते हैं कि वो जितने भी essays लिखते थे वो एक narrative aspect के साथ लिखते थे, उसमें वो अपनी personal touch देते थे, अपने personal experiences share करते थे, जैसे कि कोई किसी को कहानी सुना रहा हो। And this is why probably I started writing narratives, novels so late at the age of 50 more or less। और कहते हैं कि हो सकता है शायद तभी मैंने नॉवेल्स लिखना बहुत लेट शुरू किया। 50 साल की उम्र में उन्होंने नॉवेल्स लिखनी शुरू की, उससे पहले वो सिर्फ एकेडमिक वर्क्स लिखते थे या फिर वो लिटरेरी अप्रिसिएशन करते थे, लिटरेरी वर्क्स के बारे में लिखते थे, लेकिन जो नॉवेल्स हैं, कहानियां हैं, वो उन्होंने काफी लेट लिखनी शुरू की। आई रिमेम्बर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेस्ट एंड नॉट अ नॉवेलिस्ट। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. Now, this is Ronald Barthes. ये अम्बेटो इको के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये हमेशा दुखी होते थे। Frustrated means to be unhappy, to be upset over something. वो क्यों unhappy रहते थे? Because he was an essayist and not a novelist. So what is the difference between an essay and a novel? Format में देखा जाए तो essay is short and a novel is a long piece of writing. Essay का जो format है वो कैसा होता है? पहले आती है आपकी introduction, उसके बाद आता है premises, means आप discuss करते हैं उस topic को, उसके pros and cons देते हैं, उसके बाद आप conclude करते हैं। On the other hand, novel में आप अलग अलग episodes या फिर सीन्स लिखते हैं। एंड नॉवल इज मोर ऑफ अ क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें आप एक कहानी सुनाते हैं। एसे में आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, उसके क्या फैक्ट्स हैं वो आप प्रेजेंट करते हैं। अब रोनल्ड बार्थ्स भी एक एसेइस्ट थे, वो एसेज लिखते थे, लेकिन वो नॉवेल्स लिखना चाहते थे, बट
क्रिएटिव राइटिंग करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो उन्हें मौका नहीं मिला नॉवेल्स लिखने का। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। अम्बेर्टो इको को कभी भी ऐसे अनहैप्पीनेस नहीं फील होती थी, बल्कि बाय चांस वो नॉवेल्स लिखने लग गए। एक दिन उनके पास करने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक नॉवेल लिख लेते हैं। और ये लिखते लिखते उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी जो डिजायर थी नरेशन की, यानी कि स्टोरी टेलिंग की जो डिजायर थी, वो नॉवेल लिखने से पूरी हो गई। मुकुंद सेज, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेक्युलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज, इसके बारे में मैं पहले भी आपके साथ बात कर चुकी हूँ। ये उनकी डेब्यू नॉवल थी, उनकी फर्स्ट नॉवल थी जो इटालियन में लिखी गई थी, एंड इट वॉज सेट इन 1327 इन एन इटालियन मोनास्ट्री। तो मुकुंद कहते हैं कि आप पहले तो एक फेमस एकेडमिक थे, आप पढ़ाते थे, उसके बाद जब आपकी ये नॉवल छपी द नेम ऑफ द रोज, आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए। स्पेक्टेक्युलरली मीन्स इन एन अमेजिंग मैनर। You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. Further, वो कहते हैं कि आपने 5 novels लिखी हैं और बहुत सारे non-fiction के scholarly works भी लिखे हैं, almost 20. तो अम्बेर्टो कहते हैं over 40. तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मुकुंद says over 40. Among them, a seminal piece of work on semiotics. But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does that bother you? Seminal means something that is impressive and original. Semiotics is the study of sign language, symbols and use of them. And bother means something that troubles. मुकुंद कहते हैं कि आपने 40 से ज्यादा पीसेस लिखे हैं एंड आपने एक बहुत ही इम्प्रेसिव और ओरिजिनल वर्क भी लिखा है सिमियोटिक्स पर, साइंस पर, इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस पर। ये वो बुक है सिमियोटिक्स एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। लेकिन अगर हम किसी से भी अम्बेर्टो इको के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ओ ही इज द नॉवलिस्ट, यानी कि आप नॉवलिस्ट के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुए, ज्यादा लोग आपको एज अ नॉवेलिस्ट जानते हैं। तो क्या ये बात आपको ट्रबल करती है कि लोग आपको एक अकेडमिशियन की तरह कम जानते हैं, एक नॉवेलिस्ट की तरह ज्यादा जानते हैं? अम्बेर्टो सेज यस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। तो अम्बेर्टो कहते हैं हाँ, मुझे ये चीज ट्रबल करती है क्योंकि मेरे हिसाब से मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ और सिर्फ संडेज को मैं नॉवेल्स लिखता हूँ। वो ये कहना चाहते हैं कि नॉवल राइटिंग एक पास टाइम है, ये उनकी हॉबी है। उनका मेन काम तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का है, टीचिंग का है, लेकिन फिर भी जब लोग उन्हें प्रसिद्ध समझते हैं नॉवल राइटर की तरह, तो उन्हें ये बात ट्रबल करती है। इट्स नॉट अ जोक, आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। फर्दर अम्बेर्टो कहते हैं कि ये मजाक की बात नहीं है, मैं अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लेता हूँ, मैं पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग्स में पार्ट नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को अकेडमिक कम्युनिटी के साथ रिलेट कर सकता हूँ, मैं उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। वो ये कहना चाहते हैं कि वो अकेडमिक कम्युनिटी का हिस्सा है, उनका जो प्रोफेशन है टीचिंग का, अकेडमिक का, वो उनका मेन प्रोफेशन है। नॉवल राइटिंग तो उनकी एक हॉबी है जो वो सिर्फ संडेज को करते हैं, ना तो वो किसी पेन क्लब का हिस्सा है, ना वो किसी राइटर्स कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वो अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं क्योंकि वो टीचिंग में है और वो जानना और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अकेडमिशियन की तरह ही जाने। बट ओके, इफ दे हैव रेड ओनली द नॉवल्स, दे यहाँ पर कौन है, मोस्ट पीपल। वो कहते हैं लेकिन चलो ठीक है, अगर उन्होंने मेरी नॉवल्स ही पढ़ी हैं और वो मुझे एक नॉवलिस्ट की तरह ही जानते हैं तो कोई बात नहीं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस। आई कैनॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सिमियोटिक्स।
वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि जब मैं नॉवल लिखता हूँ मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ, ज्यादा लोग नॉवल्स पढ़ते हैं। कोई भी सिमियोटिक्स का जो उन्होंने बुक लिखा है, साइन लैंग्वेज का जो बुक लिखा है, उसे ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा लोग अम्बेटो इको को नहीं जानेंगे। ऑन दी अदर हैंड ज्यादा लोग नॉवल्स पढ़ेंगे जैसे कि द नेम ऑफ द रोज। तो नॉवल्स की वजह से ज्यादा लोग अम्बेटो इको को जानते हैं, इसी वजह से एज ए नॉवलिस्ट उनकी प्रसिद्धि ज्यादा है। मुकुंद सेज विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल, इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडीवियल हिस्ट्री। डेल्व्स मीन्स डिग्स इनटू। मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच गोज डीप इनटू फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट। मेटाफिजिक्स एक स्टडी है, बहुत ही डीप स्टडी है इनटू द फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट। मीन्स कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो प्रेजेंट है, वो कैसे वर्क करती है, उसके प्रेजेंट होने के पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो सब कुछ मेटाफिजिक्स में आता है। थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। तो उनकी इस बुक में हमें थियोलॉजी भी देखने को मिलती है, मेटाफिजिक्स भी देखने को मिलता है और मिडीवियल हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था इट इज सेट इन द ईयर 1327 और तब जो हिस्टोरिकल चीजें प्रेजेंट थी उन सबको भी इंक्लूड किया है अम्बेटो इको ने अपनी इस बुक में। ऑल्दो ये एक नॉवल है, इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, लेकिन उन्होंने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी लिए हैं इसमें, जिससे कि ये बहुत रियलिस्टिक लगती है। तो मुकुंद अम्बेटो से कहते हैं कि जो उन्होंने बुक लिखी थी द नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत ही सीरियस नॉवल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आम रीडर इसे समझ नहीं सकता। ये एक डिटेक्टिव काइंड की बुक है जिसमें उन्होंने फिलोसफी ऐड की है, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में भी लिखा है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी इंक्लूड किए हैं। Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? तो कहते हैं लेकिन फिर भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस नॉवल आपने लिखी, उसे भी बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ा और पसंद किया, तो क्या आप पजल्ड थे कि इतनी सीरियस नॉवल जो आपने लिखी उसे भी इतने सब लोगों ने पढ़ा और वो इतनी पॉपुलर हो गई? ये चीज नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रीडर्स लाइट और एंटरटेनिंग स्टफ पढ़ते हैं। इतनी सीरियस टाइप की नॉवल भी इतने सब लोगों ने पढ़ी तो ये चीज हैरानी की बात है। अम्बेटो सेज नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड समटाइम्स पब्लिशर्स। वो कहते हैं नहीं मुझे हैरानी नहीं हुई, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं वो हैरान थे, वो कंफ्यूज थे, और जो पब्लिशर्स हैं वो भी कंफ्यूज थे। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। Consider there are 6 billion people on this planet. अब वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का ये मानना है कि जो लोग हैं, जो आम रीडर्स हैं, उन्हें ट्रैश पसंद है। ट्रैश मीन्स गार्बेज, यानी कि ऐसा स्टफ जो एंटरटेनमेंट purposes के लिए होता है, जिसे हम लाइट रीडिंग कह सकते हैं। तो अम्बेटो कहते हैं कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का ये मानना है कि लोगों को ऐसी लाइट रीडिंग पसंद है, सीरियस बुक्स नहीं पसंद। Consider there are 6 billion people on this planet. अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो इस प्लैनेट पर, धरती पर 6 billion लोग रहते हैं। The name of the rose sold between 10 and 15 million copies. So in a way I reached only a small percentage of readers. तो कहते हैं कि मेरी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज, उसके सिर्फ 10 से 15 million कॉपीज बिकी हैं। तो अगर हम हिसाब लगाएं कि हमारे प्लैनेट पर 6 billion लोग रहते हैं और उनकी सिर्फ 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी हैं, तो वो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोगों तक पहुंच पाई है, उनकी बुक बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोगों ने पढ़ी है। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वॉन्ट इजी एक्सपीरियंसेस और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वॉन्ट दिस। तो कहते हैं लेकिन ये जो रीडर्स हैं, जो 10-15 million रीडर्स हैं जिन्होंने द नेम ऑफ द रोज पढ़ी है, उन्हें इजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड बुक्स, सीरियस नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी वो इस तरह की बुक्स पढ़ना चाहते हैं।
I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. Now Miami Vice and Emergency Room, ये दोनों टीवी सीरीज हैं. Miami Vice is related to music, fashion, crime, drama. Emergency Room is related to medical drama. It's a prime time serial जो exactly 9 बजे prime time में आता है. अम्बेटो कहते हैं कि उन्हें भी Miami Vice और Emergency Room जैसे जो हम for example कहते हैं ना मसाला shows, वो देखने पसंद हैं. तो कहते हैं कि डिनर के बाद रात को 9 बजे मैं भी ये प्रोग्राम्स देखता हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं इंजॉय करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन इन्हें देखता रहूंगा. तो कहना चाहते हैं कि चेंज के लिए हम ऐसी मसाला वाली जो एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो भी देखते हैं और फिर हम कुछ सीरियस स्टफ भी देखते हैं. मुकुंद सेज, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मिडीवियल हिस्ट्री दैट. तो मुकुंद अम्बेटो से पूछते हैं कि आपकी नॉवल द नेम ऑफ द रोज का बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ, क्या उसका ये रीजन भी हो सकता है कि वो बुक ने मिडीवियल हिस्ट्री के साथ डील किया था. मीन्स आपने उसमें मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में लिखा है, 1327 की जो हिस्ट्री थी, जो सिचुएशन प्रेवलेंट थी यूरोप में, उसका जिक्र किया है अम्बेटो ने इस नॉवल में. फिर मुकुंद की बात इनकम्प्लीट है जब अम्बेटो बोल पड़ते हैं, दैट्स पॉसिबल बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी बिकॉज आई ऑफ्टन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन. अम्बेटो कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि जो उन्होंने मिडीवियल हिस्ट्री का जिक्र किया है उस वजह से उनकी नॉवल बहुत पॉपुलर हो गई हो. फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा क्योंकि चाइनीज वाइज मैन की तरह मुझे भी कहानियां सुनाने का शौक है. माय अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाइल शी लव माय बुक दैट शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथीड्रल और स्टडीज लैटिन. कैथीड्रल इज अ चर्च. अम्बेटो कहते हैं कि उनकी जो अमेरिकन पब्लिशर थे वो उनकी नॉवल को उन्होंने बहुत पसंद किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका में आपकी नॉवल की 3000 से ज्यादा कॉपीज नहीं बिकेंगी क्योंकि यहाँ के लोग ना तो हिस्ट्री पसंद करते हैं ना ही रिलीजन पसंद करते हैं, ना तो वो कैथीड्रल जाते हैं ना ही वो लैटिन पढ़ते हैं, तो उन्हें ऐसा हिस्टोरिकल और रिलीजियस स्टफ पसंद नहीं आएगा, 3000 से ज्यादा कॉपीज नहीं बिकेंगी. So I was given an advance for 3000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. तो उन्हें 3000 copies का advance दिया गया था, लेकिन finally अम्बेटो की book 2 से 3 million copies बिकी उसकी USA में. So the name of the rose was a huge success in United States of America and it sold 2 or 3 million copies. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery. Nobody can predict it. अब जब मुकुंद ने अम्बेटो से पूछा था कि क्या हो सकता है कि जो उन्होंने मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में जिक्र किया है द नेम ऑफ द रोज में उसकी वजह से वो इतनी पॉपुलर हुई, तो उसका जवाब अम्बेटो देते हैं कि उनकी बुक से पहले भी मिडीवियल हिस्ट्री पर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, इसलिए उनकी बुक सक्सेसफुल क्यों थी ये सवाल का जवाब एक मिस्ट्री है, एक राज है, किसी को भी नहीं पता और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो बुक कोई लिखता है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी या कितनी सक्सेसफुल होगी, ये चीज हम नहीं बता सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुडंट हैव बीन द सेम. व्हाई इट वर्क्ड एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री. तो कहते हैं कि अगर उन्होंने ये किताब 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो हो सकता है वो इतनी सक्सेसफुल ना होती. तो वो कहना चाहते हैं हो सकता है टाइमिंग का भी कोई रोल है, किस टाइम पर वो बुक उन्होंने लिखी और रिलीज हुई, मे बी उस टाइम पर क्या सिचुएशन प्रेवलेंट थी वर्ल्ड में उस वजह से उनकी बुक इतनी पॉपुलर हुई, क्या रीजन था वो इतनी पॉपुलर क्यों हुई, ये एक राज है, ये एक मिस्ट्री है, किस कोई भी ये नहीं बता सकता. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर where we read this interesting interview conducted by Mukund Padmanabhan and the interviewee was Umberto Eco, a very famous novelist and academic. And I hope aapko ye chapter samajh aa gaya hai. In case you have any doubts, please feel free to mention in the comment section and I'll try and get back to your queries.
And students, once again, I'll remind you that if you are going through any tough phases and you want to share your problems or your experiences with us, you are most welcome. You can even join our Telegram group. And with this, I'll take your leave. This is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.